और पहली ट्रिप पे निकले और सीन हो गया। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 25 सितंबर 2020 यानी कि फ्राइडे। मैं हूं अभी गुड़गांव अपने यूट्यूब स्टूडियो में और भाई फाइनली जो वेट है वो खत्म हो चुका है। मैं जा रहा हूं भाई नेक्स्ट ट्रिप पे। अभी रात के कुछ 11:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह मुझे निकलना है 6 बजे राइड पर, क्योंकि बाइक ली थी तो भाई इंटरनेशनल तो अभी करूंगा नहीं, इसलिए इंडिया में ही जा रहा हूं। कौन सी जगह जा रहा हूं शायद टाइटल से आपको पता चल जाए, या ना भी पता चले तो कोई नहीं भाई बता देंगे। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक अवार्ड शो के बारे में बताया था जिसमें मैं नॉमिनेट हुआ था, तो आज उसका रिजल्ट आया, कुछ सीन हो गया उसमें। अब वो सीन क्या है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि एक अलग से वीडियो बना दूं, 50-50 है, मन करा तो बना दूंगा, नहीं मन करा तो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि अलग से वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूं, कभी फ्यूचर में डिलीट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, अपना कंटेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, मूड आज तो थोड़ी सी लग गई थी मूड की, बट कोई नहीं भाई, ट्रिप शुरू हो रही है, नहीं मजे आएंगे अब तो। बाकी ये देखो भाई सामान पूरा सेट है, क्या क्या ले जा रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो बाइक पे वो लगने वाला है टॉप बॉक्स जिसमें मैं अपनी सारी एक्सेसरीज रखूंगा, लैपटॉप कैमरा वगैरह, क्योंकि वो वाटरप्रूफ है तो कुछ भी नहीं होगा, वैसे तो बारिश आएगी नहीं, पहले ही प्रिकॉशन ले लो तो अच्छी बात है। ये है भाई मेरा टैंक बैग, इसमें मैं अपना कैमरा रखूंगा जो मैं रस्ते में निकाल के फटाफट से व्लॉगिंग कर लूंगा, और अपने बाइक के डॉक्यूमेंट्स रखूंगा। बाकी ये पीछे दो सैडल बैग्स है जिसमें मेरे कपड़े आएंगे, एक में मैं सोच रहा हूँ टी शर्ट्स वगैरह सारे अपने कपड़े डाल दूँ, और एक में अपने एक्स्ट्रा जूते डाल दूं, क्योंकि जूते तो मैं अपने राइडिंग शूज लेकर जा रहा हूं जो मैं नहीं लाया था उराज हो गए। बाकी इसके अलावा तो वो पीछे कपड़े पड़े हैं जो मेरे को भी डालना है पूरा। और ये है मेरे राइडिंग गियर जिसमें मेरी जैकेट और मेरा राइडिंग पैंट्स और मेरे ग्लव्स है। बाकी आज ही मैं एक ये बोतल खरीद के लाया हूं नयासा की, जिसमें भाई पूरा पानी ठंडा रहता है, तो ये 1 लीटर की बोतल है, इसमें मैं ठंडा पानी भर के राइड पे ले जाऊंगा रस्ते में प्यास व्यास लगेगी। तो सबसे पहले जो कपड़े हैं वो तो मैं सेट कर लेता हूं, क्योंकि जो टॉप बॉक्स में सामान आना है ना मेरे एक्सेसरीज या कैमरा गियर वो सब मैं अभी रात को चार्ज पे लगाऊंगा, और सुबह सुबह राइड से निकलने से पहले वो मैं सब रख लूंगा। 6 बजे का प्लान किया सुबह राइड का, देखते हैं भाई निकलते निकलते हो सकता है 7 भी बज जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हो गया भैया पैकिंग का काम। तो बाकी यहाँ पे भाई मेरा GoPro Hero Max जो है वो अपडेट हो रहा है फ़ोन से, इससे मैं बाइक से तगड़े तगड़े 360 शॉट्स लूँगा। ड्रोन जो है वो मेरा ऑलरेडी बैटरीज वहाँ पर लगी हुई है, वो देखो वो दिख रही होगी आपको। तो एक ही बैटरी मैंने यूज़ करी थी उस दिन जब पैराग्लाइडिंग करने गए थे, तो ये वाली मैं चार्ज कर रहा हूँ, उसका कंट्रोलर चार्ज कर रहा हूँ। बाकी सबसे मेन चीज़ भाई मेरे ये मीवी का अडेप्टर जिसमें एक साथ आप 5 डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने मीवी के कॉलर, ये अपने आईफोन के एयरपोर्ट्स, इसके अलावा मेरा GoPro Hero 7 जो मैं मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करूँगा, ये है वो पंचर होने के बाद जो एयर पंप, और इसके अलावा एक चीज़ और क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ GoPro को चार्ज करना है, एक बार अपडेट हो जाइए पूरा। बाकी यहाँ पे मेरे मेन कैमरा की जो बैटरीज है Canon M50 की, एक चार्ज हो चुकी है, एक येरी और एक मैंने कैमरा में डाल रखी है, तो 3 बैटरीज है मेरे पास। अब नॉर्मल लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी क्या होता है, कपड़े उनके या फिर उनके जूते वगैरह या फिर उनका कॉस्मेटिक्स का सामान, लेकिन भाई एक यूट्यूबर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनके ये सारे गैजेट्स, क्योंकि इन गैजेट्स के बिना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। ओह शिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह गई मेरा लैपटॉप, तो मैकबुक एयर पड़ा हुआ उसको भी चार्ज पे लगाने, भाई काफी दिन से तो मैंने यूज ही नहीं करा है वो। ये लो जी ये काम भी हो गया, अब मैं टेंशन फ्री जो है वो सो सकता हूँ, मोबाइल चार्ज पे लगाना है बस, और सुबह सुबह फटाफट से उठ के सारा सामान जो है अपने इस वाले टॉप बॉक्स में डाल के बाइक पे लोड करके निकल जाएंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अब सीधा सुबह। तो भाई अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और पिछले 40 मिनट से ना मैं बैग ही सेट करे जा रहा था, सैडल बैग, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना तो वीडियोस वगैरह देखनी पड़ी स्ट्रैप कहाँ से लगेंगे। और ये है पुलकित मेरे स्कूल का दोस्त, तो ये अपनी R15 में जा रहा है और मैं तो अपनी KTM में ही, तो फटाफट से बाकी बचा हुआ लगेज जो है सेट कर देता हूँ, क्योंकि सैडल बैग लग चुके हैं, इसके बाद टैंक बैग और अपना टॉप बॉक्स लगा देते हैं और फिर निकलते हैं। तो चलो भैया ना ना करते करते लेट हो ही गए, लगभग 8 बज चुके हैं, और सामान पैकिंग वैकिंग में यार बाइक के साथ यही सीन होता है कि पूरा लगेज हर रोज़ सुबह उठ के पैक करो, बट फ्लाइट में ये सीन नहीं था, एक बार बैग पैक करो फटाफट से फ्लाइट में चले जाओ। बाइक में एक ये भी डिसएडवांटेज है कि भाई नींद एक तो आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बाइक चलानी है, और फ्लाइट में ये सब सीन नहीं था। फ्लाइट में था भैया भले ही बिना नींद के चले जाओ और फिर नींद आराम से फ्लाइट पर कर लो पूरी। तो पहले तो पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद बताता हूँ भाई जाना कहाँ चाह रहे हैं हम, और लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर है। फुल टैंक करवा लेता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा दे पाऊँ कि भाई कितना पेट्रोल लगा है, क्योंकि ख़र्चा मैं आपको बताता ही हूँ हर ट्रिप में, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी। अरे यार शिट, ये टैंक बैग हटाना पड़ सकता है, क्योंकि पेट्रोल भरेगा कैसे वरना।
ये अलग लफड़ा है भाई। चलो जी पेट्रोल भरवा लिया 630 रुपये का, और ये बड़ा घपला है यार, ये तो अगर पेट्रोल भरवाना है तो टैंक बैग हटाओ, बट कोई नहीं, मेरे को लग रहा है एक फुल टैंक में मेरा आना जाना काम हो जाएगा। और ये क्या फुल करानी है मेरे को लग रहा है इसने, हवा भी चेक करवा लेते भाई जाने से पहले, दिक्कत ना हो जाके। हाँ भैया जी फाइनली, एक तो राइडिंग गेयर्स में भाई गर्मी इतनी तगड़ी लगती है ना, हेलमेट भी, जैकेट भी, पैंट भी, बस मेरा गोप्रो धोखा ना दे दे भाई, गोप्रो में कभी कभी हो जाता है ऑडियो नहीं आती है, हैंग मार जाता है, तो वो सीन नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी पूरी राइड की ऐसी तैसी। तो चलो भैया राइड की बात कर लेते हैं फाइनली, मैं लोकेशन चलो बता ही देते हैं, नीमराणा जा रहे हैं हम, गुड़गांव से लगभग 90 किलोमीटर है, राजस्थान में पड़ता है ये। तो हमारा 2-3 दिन की ट्रिप का प्लान बन रहा है, देखते हैं संडे रात को वापसी आना है मंडे को सुबह। और जो नेक्स्ट लोग है ना भाई, वो इतना तगड़ा होने वाला है ना, मतलब मैंने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, आप में से बहुत लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। ये व्लॉग भी बढ़िया होने वाला है, बट नेक्स्ट व्लॉग इससे नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, तो वो वाला मिस मत करना। और बाकी खर्चा वर्चा आपको बता ही दूंगा यार, ट्रैवलिंग काफ़ी टाइम बात कर रहे हैं। और ये पुलकित जा रहा है R15 में, इसकी कमर तो भाई जाने वाली है, वैसे तो यार 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर में इतना कमर को क्या ही होगा, बस चलिए यार। R1 का पोस्चर है यूँ और अपना है यूँ बिल्कुल स्ट्रेट, तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है KTM में, इसमें 390 एडवेंचर में। तो जो टोटल राइड अपनी हो गई है वो मान लो मोटा मोटा 200 किलोमीटर हो गया आना जाना, और मेरी बाइक चल चुकी है 780 किलोमीटर, यानी आते आते 800 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। और भाई फाइनली मैं फर्स्ट सर्विस करवा लूँगा, क्योंकि अगले महीने हमें एक बहुत लंबी राइड पर निकलना है, लगभग 2000 किलोमीटर आना जाना, तो वो मज़ा आने वाला है भाई। 6-7 दिन का ट्रिप होगा, ये वाला तो छोटा ट्रिप है, बट स्टिल यार कोविड के बाद ये पूरी सिचुएशन जब से हुई है लॉकडाउन, उसके बाद ट्रिप तो करने को मिल रही है, होटल में ठहरने को मिल रहा है, और नेक्स्ट वाली वीडियो तो गज़ब होने वाली है। यार वैसे मज़ा तो ना बाइक चलाने का विदाउट राइडिंग गेयर्स ही आता है, बट यार वही है उसमें फिर सेफ्टी नहीं है, कम से कम राइडिंग गेयर्स में सेफ्टी तो है कि कुछ भी होता है क्रैश वगैरह, वैसे तो ना ही हो तो अच्छी बात है, बट स्टिल यार कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो राइडिंग गेयर्स आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई अच्छे से प्रॉपर एक अच्छा हेलमेट ले लो, राइडिंग जैकेट वगैरह ले लो, एल्बो गार्ड्स ले लो, अपने शूज़ वगैरह ले लो, और फिर ही प्रॉपर राइडिंग करो अगर लंबे टूर पर जा रहे हो। इन सब के बिना जैसे अभी पुलकित जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, चलो इसका हेलमेट तो फिर भी है बट बाकी चीज़ें नहीं है, तो कुछ भी होता है भगवान ना करे हो, बट कुछ भी अगर हो जाता है तो भाई दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए प्लीज़ प्रॉपर राइडिंग गेयर्स के साथ ही राइड मारो, भले ही थोड़ा लेट शुरू करना, पैसे वैसे जोड़ लो अच्छे से, चीज़ें ले लो और फिर ही करना। तो अभी हम कितने 7-8 किलोमीटर ही चले होंगे, और ब्रेकफास्ट करना है भाई, बहुत तेज भूख लग रही है। तो ये कह रहा है पुलकित की मन्नत में रुकते हैं रास्ते में, अब ये नहीं पता कि भाई खुला होगा या नहीं खुला होगा, देख लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर और है अभी, तो थोड़ी और राइडिंग, 90 किलोमीटर की तो यार टोटल राइड है, छोटी सी राइड है, 1.5-2 घंटे की है, बीच में हो सकता है मैं कहीं पे रुक के ड्रोन उड़ा लूँ, क्योंकि मैं लेकर तो आया ही हूँ, बस इसलिए थोड़ा लेट हो सकते हैं, बाकी तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और हाँ सच, राइडिंग गेयर्स के साथ तो चलाना थोड़ा सा मुश्किल है ही है, और साथ में ना दिक्कत ये है कि अब मेरे साइड बैग्स भी है, साइड पैनियर्स या साइड बैग्स जो भी कहते हैं, तो वो भी लगे हुए हैं, तो मेरे को ना कट जब लेने पड़ते हैं ना दो गाड़ियों के बीच में या जैसे भी बस के बीच में, तो मेरे को वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई साइडों में निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब बिना सैडल बैग्स के क्या होता था भाई, सीधा निकाल लो, आपको पता है कितनी चौड़ी बाइक है, तो उस हिसाब से अंदाजे से निकल जाते थे, बट इसके साथ जो है वो बाइक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो देख के निकालनी पड़ती है। और यही रीज़न है मैं इस ट्रिप पे भी सैडल बैग्स लगा के आया हूँ, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इतने मैं सामान तो ला नहीं रहा हूँ 3 दिन के लिए, बट मैं वो सैडल बैग मैंने स्पेशली इसलिए लगाए हैं ताकि मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए यार, कैसे चलाते हैं इसको लगा के पूरा, कितना गैप देना होता है साइडों में, बस यही एक मोटा मोटा रीज़न था। और यार रोड पे ना या फिर बाइक से ट्रैवल करने का सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि मान लो गलती आपकी भी ना हो तो दूसरे इतने लोग बेवकूफ़ होते हैं, कभी कभी दूसरों की गलती की वजह से भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये मैंने बहुत देखा है भाई, बहुत वीडियोस में देखा है और बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस होते हुए देखी है ये चीज़ मैंने, कि गलती उनकी नहीं होती है, वो बिल्कुल सेफली अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले की वजह से जो है उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भाई कि अपने आप को तो तुमने संभालना ही है ढंग से कि अच्छे से राइड करो, और दूसरों पर भी प्रॉपर नज़र रखनी है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है आसपास, ताकि थोड़ा बहुत अपना बचाव कर पाओ, वरना तो भैया फिर कुछ गलत ही सीन हो सकता है।
भाई फाइनली पहुंच चुके हैं मन्नत ढाबा और अभी टाइम हो रहा है 8:57 सुबह के। अराउंड कितने 20 किलोमीटर तो चल गए होंगे, ज़्यादा ही 25 किलोमीटर आ चुके हैं। अराउंड 65 और बचा है नींब राणा यहाँ से, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी यहाँ पे इडली सांभर की प्लेट ली है और इसके अलावा डोसा लिया, मसाला डोसा। बिल कितना आएगा दो लोगों के हिसाब से वो खाने के बाद बताएंगे, टेस्ट करके देखता हूँ भाई है कैसा। इडली तो मस्त है, लाइट है इसलिए थोड़ा मतलब लाइट खाना था सुबह सुबह, इसलिए साउथ इंडियन लिया है। चलो भैया ब्रेकफास्ट कर लिया, टोटल बिल हमारा 600 कुछ रुपए का बना, मतलब पर हेड 300 रुपए में काम हो गया है। और यहाँ से पूरा एक घंटा दिखा रहा है मैप में, ज़्यादा अब हम रस्ते में तो रुकेंगे नहीं। ड्रोन भी मैं सोच रहा हूँ, अब मौसम थोड़ा अच्छा हुआ पता नहीं उड़ाऊंगा या नहीं। बाकी ये रहा बोल के कैसा लगा खाना यहाँ का भाई, एक नंबर खाना। इसी ने सजेस्ट किया था वैसे मन्नत का तो मुझे, और इसमें सेफ्टी भी बहुत अच्छी है काफी, मतलब है ना मास्क वास्क भी सबने लगा रखे, प्रॉपर्ली सर्व कर रहे हैं, मतलब हाइजीन काफी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी वो खड़ी अपनी सारी बाइक, भाई जैसी निकलने लगे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, इतने दिन से बारिश नहीं आ रही थी, मतलब जिस दिन राइड पे निकलना था उसी दिन ही बारिश आई है। तो मेरा ये जो टॉप बॉक्स है तो वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले बैग्स जो थे ये वाटर प्रूफ नहीं थे, बट इनका कवर मैंने लगा दिया है। अब हम वेट कर रहे हैं, अगर बारिश रुक गई तो निकल जाएंगे, अगर नहीं रुकी तो भाई मेरे को जैकेट के ऊपर भी जो है रेन कवर पहनना पड़ेगा और पैंट्स के लिए भी, क्योंकि अगर ये गीली हो गई ना जैकेट फिर ये सूखने नहीं वाली जल्दी से, इसलिए रिस्क नहीं ले रहे। अभी है हल्की हल्की बारिश, हो सकता है रुक जाएगी तो निकल लेंगे फटाफट से। अभी हमें सर्विस लेन में जाना है और लेफ्ट वाली जो रोड है ना वहाँ से जाना है, क्योंकि ये वाला सीधा जयपुर हाईवे है। तो अभी एक कट आएगा लेफ्ट में ऐसे और फिर हम उस वाली रोड पे निकल जाएंगे, और अराउंड 64 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 57 मिनट में पहुँच ही जाएंगे। और मस्त रिजॉर्ट बुक करा आज तो मस्त, वहाँ पे अगर स्विमिंग पूल खुला होगा तो भाई पूरे दिन मस्ती मारने वाले आज तो हम, पूरा रिलैक्स वाला वीकेंड होगा। यार लगभग अभी 30 किलोमीटर 33 किलोमीटर और रह गया और पहली ट्रिप पे निकले और सीन हो गया, अभी अंगूठे पे लग गई, कैसे लगी वो मैं बताता हूँ। तो ये जो बैग है ना मेरे पीछे वाले पैनियर्स या फिर जो भी कहते हैं सेटल बैग, तो इसकी ना रस्सियाँ जो है वो थोड़ी लूज़ हो रही थी, तो यहाँ से जब मैं इस रस्सी को कसने लगा ना तो भाई मैंने अंगूठा ही बीच में दे दिया और पूरी रस्सी कस दी, तो जैसे होता है ना वो दरवाजे के अंदर अंगूठा आ जाता उसी तरह से काम हो गया भाई, बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि काम ही नहीं कर रहा ढंग से अंगूठा। कोई नहीं 33 किलोमीटर रह गया, रिजॉर्ट में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर। भाई साहब अंगूठा ढंग से काम नहीं कर रहा मेरा, नाखून में इतनी तेज़ दर्द हो रहा है, मतलब ये मैं बटन भी नहीं दबा पाऊंगा यहाँ से कोई होन वोन। तो भाई लोग फाइनली हम नीम राणा में एंटर कर चुके हैं, और पता नहीं इस एरिया में क्यों चॉकलेट की इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है क्या आसपास, क्योंकि ये लग तो इंडस्ट्रियल एरिया ही रहा है यहाँ पर मेरे को लग रहा है। देखो तो कोई ना कोई पक्की बात है चॉकलेट की फैक्ट्री है, भाई इतनी तगड़ी चॉकलेट की खुशबू आ रही है ना क्या बताऊँ। और अब मिल लिया ना भाई साफ बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे, मतलब खुला खुला कोई ट्रैफिक नहीं, ऐसी रोडों पर आता है मज़ा तो अपना 80 तक मैं भगा रहा हूँ मैं अभी तो, क्योंकि फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है तो कांस्टेंट चल रही है 80 की स्पीड में। और हमारा जो रिजॉर्ट है उसका नाम है शिवा ओएसिस रिजॉर्ट, अराउंड 9 किलोमीटर है यहाँ से और 8 मिनट दिखा रहा है। अब सोचो यही 9 किलोमीटर अगर मुझे गुड़गांव में पूरे करने पड़ते तो भाई कितने, मतलब आधे घंटे से ऊपर लग जाता। और ये जो हाईवे पे लिखे रहते हैं ना चूक ना जाना किंग का खजाना, मतलब टैग लाइन ऐसी ऐसी डालते हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसी लाइन आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे। चलो जी फाइनली पहुंच गए, ये देखो शिवा ओएसिस स्पा रिजॉर्ट, चलो निकले यहाँ से। तो भाई रिजॉर्ट तो अच्छा है, बट एक सीन ये हुआ कि आपको पता ही है बैग इतने सारे लगेज था हमारी बाइक्स पे, तो अगर हम खुद से उठा पाते तो ये चीज़ कभी नहीं करते, तो हम होटल स्टाफ के पास गए, उनसे कहा कि हमारे बैग लाने में रूम तक मदद कर दो। तो उन्होंने बताया कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है कि बैग हम नहीं ले सकते कोविड-19 की वजह से। तो हमने कहा ठीक है यार, तो मैं सारा सामान तो ले आया हूँ, बस मेरा जो टॉप बॉक्स है वो बाइक पे अभी तक लगा हुआ है, तो वो मैं फिर से नीचे जा रहा हूँ। और ये
रिजॉर्ट है आपको जैसे कि मैंने बताया, स्विमिंग पूल है बाहर, बट वो अभी बंद पड़ा हुआ है कोविड की वजह से। और भाई मतलब कितने 9 महीने हो गए मैंने रूम टूर नहीं दिया, लास्ट दुबई की वीडियोज़ में दिया था। फाइनली होटल का रूम टूर देता हूँ छोटा सा, और कितने का वो भी बता दूंगा। तो ये है भाई हमारा रूम, जितना फोटो में था उससे थोड़ा छोटा लग रहा है, बट फोटोज का तो क्या ही पता। दो यहाँ पे सोफा लगे हुए हैं, ये अपना किंग साइज बेड है, यहाँ पर एक और टेबल है जहाँ पर मैं एडिटिंग कर सकता हूँ अपने लैपटॉप से, कुछ फ्रेम्स वगैरह लगे हुए हैं, टीवी लगा हुआ है, टीवी चल रहा था देख लिया हमने। ये यहाँ पर एक फ्रिजर है साथ में, ये सामान दिया हुआ है। अब ये नहीं पता कि ये पेड है या फिर फ्री है, इंडिया के होटल्स में वैसे तो फ्री होता है पानी वानी सब। फ्रिज लगा हुआ है, ये रहा एक मिरर, और यहाँ पे वार्डरोब है, मैंने अपनी जैकेट रख ली है इस पे, राइडिंग जैकेट। और ये रहा वॉशरूम भाई, हाँ तो वॉशरूम सही है, कोई कंप्लेन नहीं है, बाथटब है, आधा एक घंटा बैठूँगा मस्त। और यहाँ पे ये टॉयलेट सीट है, बाकी ठीक है भाई, वॉशरूम में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और सबसे अच्छा पार्ट इस रूम का, हमने बालकनी वाला रूम लिया है, तो देखो यहाँ से व्यू तो कुछ इतना खास नहीं है, बट भाई बालकनी वाले का फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ से ड्रोन उड़ा पाऊँगा थोड़ी देर बाद, और मस्त यहाँ से शॉट्स लेंगे। तो इस तरह का पूरा रिजॉर्ट है, आप देख ही चुके होंगे स्टार्टिंग में जब मैं एंटर किए थे, मैंने ड्रोन शॉट्स आपको दिखाई दिया था। और भाई कोविड की वजह से पूरा खाली पड़ा हुआ है, देखो वहाँ पर स्विमिंग पूल है वो भी बंद है पूरा। तो इसमें क्या है, हमें एक तो फ्री ब्रेकफास्ट मिला हुआ है, जितने हमने पे करे मैं बताऊंगा कितने करे हैं, और इसी के साथ साथ बुफे है यहाँ पर, या तो लंच कर लो या फिर डिनर कर लो। तो अभी लंच करने का तो हमारे को मतलब भूख सी लग नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम करके आए हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि सीधा आप डिनर ही करेंगे फ्री में। और इसके जो चार्जेस हैं वो हमने पे करे हैं 5000 के आसपास, मतलब 6000 ही लगा लो टैक्स वैक्स लगा के पूरा पर नाइट। तो दो बंदे हम रुक रहे हैं तो अराउंड 3000 रुपये पड़ गया। रिजॉर्ट है इसलिए मैंने करवा लिया, रूम तो भाई सस्ते मिल रहे थे, ओयो वाले भी 1000-2000 में आराम से मिल जाते थे, बट थोड़े रिजॉर्ट है अपना, बाइक वाइक की पार्किंग है अच्छे से। और ये जो ट्रिप है ना भाई, इसमें मैं घूमने नहीं आया हूँ, इसमें मैं थोड़ा चिल करने आया हूँ कि हाँ वीकेंड पे थोड़ी, इतने टाइम से काम कर रहा था, स्टोर का काम करा पूरा, चैनल संभालने का, और अब जो है बस मस्ती से आराम करेंगे। बट कल के व्लॉग में भाई एक जगह जाने वाले हैं, वो एक नंबर का व्लॉग बनने वाला है, क्यों भाई उसी के लिए एक्साइटेड है हम दोनों तो मेन। भाई अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और बारिश फिर से शुरू हो गई है काफ़ी तेज़ी से, और इतना मस्त मौसम हो रहा है, अंदर से ज़्यादा अच्छा तो बाहर लग रहा है। बाहर जाने का सीन तो कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं यहीं पर कुछ करेंगे, पर मौसम एक नंबर हो गया भाई। पता है भाई मैंने कहा था कि ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच नहीं करेंगे, बट भूख लग गई एकदम से, और वैसे भी चिल करने आया तो मैंने कहा मंगवा लेते हैं, कोई नहीं। एक मंगवाया यहाँ पे पनीर टिक्का 300 रुपये का, यहाँ पर हक्का नूडल्स है ये है 250 रुपये के, और शिकंजी, तो इसके सर में दर्द हो रहा था इस लड़के के, इसलिए इसने शिकंजी मंगवाई है। तो यहाँ का एक बार टेस्ट करके भी देख लेते भाई कैसा लग रहा है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का तो भाई जहाँ मर्जी खा लो, टेस्ट तो मस्त लगता है। तो भाई अभी मैं नहा लिया हूँ, शाम के 5 बज चुके हैं, रेस्ट ही कर रहा था पूरे दिन से, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग भी कर ली है आज जो मैंने शूट करी है, तो हो सकता है ये मैं व्लॉग कल ही डाल दूंगा। बाकी अभी एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, जो मेरे ड्रोन का चार्जर है ना उसकी जो केबल है वो इंडियन नहीं है, उसके लिए एक अडेप्टर चाहिए होता है, और वो अडेप्टर मेरा टूट गया है। अब या तो मुझे वो अडेप्टर खोलने के लिए एक पेचकस चाहिए या फिर मुझे नया अडेप्टर चाहिए, तो नीचे जा रहे रिसेप्शन में देखते हैं क्या बात होगी, मतलब सोल्यूशन मिल जाए। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि भाई मेरे को याद नहीं है कि मैं अपने बाइक के डॉक्यूमेंट्स लाया भी हूँ या नहीं लाया हूँ, क्योंकि मेरे बैग वैग में तो कहीं नहीं है, तो शायद से सीट के नीचे पड़े होंगे, तो मैं वो भी जाके चेक करूंगा। उसके बाद खाना खाएंगे और आज भाई सो जाएंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं दिन में ना, तो दोपहर को भी नींद आ रही थी, बट मैं सोया नहीं, एडिटिंग कर रहा था, बट अब नहा के थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। बाकी ये यहाँ का हॉल है, कुछ सिटिंग्स लगी हुई है यहाँ पर, और टीटी टेबल भी लगी है, अभी पुल की तरफ मैंने खेली थी और ये हार गया मेरे से एक मैच पूरा, और कूलर वूलर लगे हुए हैं तो अभी तक बाहर रोशनी है, तो भाई फोटोज़ लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए 2-4, और फिर आप वो इंस्टाग्राम पे देख ही लोगे, खैर यहाँ क्या दिखाऊंगा। तो हमने अभी अभी यहाँ से एग्जिट लिया है, और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये यहाँ रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट है। तो मैंने आपको बताया था ना, लंच या फिर डिनर में से एक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे पैकेज में, तो रात को डिनर यहाँ पे होगा, देखते हैं भाई क्या क्या मिलने वाला है और वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। है भैया है, शुक्र है, ये रे। तो इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और टूल किट भी पड़ी हुई है, तो मेरे ख्याल से इसी में एक वो भी होगा स्क्रू ड्राइवर, तो उससे मैं अपना वो अडेप्टर खोल पाऊँगा। और मुझे लग रहा है भाई इनके यहाँ पे रूम्स कम है और गार्डन ज़्यादा बड़ा है, मतलब इतना बड़ा गार्डन एरिया है, 2-4 फाउंटेन भी लगे हुए हैं, इसके अलावा ब्रिज बना रखा है, पूरा पार्क वाली फीलिंग दे रही है यहाँ पे। तो भाई ओ भाई ये देखो पूरा एडवेंचर एक्टिविटीज़ का देखो। तो अभी ये कोविड की वजह से सब बंद है, उधर एक स्विमिंग पूल भी है वो भी बंद पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है हम तो, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि रिलैक्स करने आए हैं, चिल करने आए हैं हम तो, हमें क्या मतलब है भाई चले ना चले, क्योंकि नीमराना में ज़्यादा घूमने की जगह है ही नहीं। एक जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की वो हम कल जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कल वाली वीडियो मिस मत करना, वहीं पर आने वाला है मज़ा, तो मतलब राजा वाली फील आएगी पूरी।
राज आज ना भाई काफी लेजी लेजी सा फील हो रहा है, मतलब इतने टाइम बाद काम से हटके शांति से पूरा दिन स्पेंड किया है, ना फोन कॉल्स, ना स्टोर की टेंशन, ना यूट्यूब की टेंशन, सारी वीडियो शेड्यूल पे लगा के आया हूँ, मस्त मजा आ रहा है। बस अब तो भूख लग रही है, डिनर करना है, और ये फ्रेम तगड़ा आ रहा था इसलिए मैंने सोचा कुछ तो बोल ही देता हूँ इस फ्रेम में, बोलने के लिए वैसे कुछ ज्यादा है नहीं। अभी भाई डिनर के लिए बैठ चुके हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी, हालांकि 7 ही बजे है रात के, बट भूख के मारे थे इसलिए कर लिया, और जितने पे करे उस हिसाब से मेरे को लग रहा है खाने में वर्थ इट है पूरा, क्योंकि बहुत सारी आइटम है यहाँ पे, एला कार्टे है तो बुफे सिस्टम नहीं है, तो अपने हिसाब से जो भी मंगवाओगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। जैसे हमने यहाँ पर बटर चिकन मंगवा लिया, मखनी दाल मंगवा ली, जीरा राइस मंगवा लिया, पनीर लबाबदार और रायता वगैरह, बटर रोटी, बटर नान, कोक मंगवा ली, तो मेरे हिसाब से जितना पे करा है भाई वो वर्थ इट रहा है पूरा। फटाफट से खाना खाते और फिर मैं सीधा आपको रूम में मिलूंगा क्योंकि नींद खतरनाक आ रही है, शायद से एडिटिंग करूँ अगर मतलब हिम्मत बची जाकर, नहीं बची तो फिर तो सो ही जाऊंगा सीधा। यार क्या बताऊं आपको, खाना एक नंबर का था, मतलब मज़ा सा आ गया, और अभी रात के कितने 9 बज चुके हैं और यहाँ पे एडिटिंग चल रही है इसी वाले व्लॉग की, ये लास्ट क्लिप है, बस एंड करते हैं। फुल्की तो ऑलरेडी सो चुका है, ये कल रात से सोया नहीं था, मेरे को भी नींद आ रही है, बट मैं कोशिश करूँगा यार एडिट करके अपलोड पे लगा दूं, यानी कि आप ये वीडियो मंडे को नहीं संडे को ही देख लोगे जबकि ये शूट हो रही है सैटरडे को, तो ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहेगा अगर मैंने लाइव कर दी कि भाई सैटरडे को शूट और संडे को वीडियो लाइव, मतलब व्लॉग लाइव। तो चलिए ठीक है भैया, मैं चलता हूँ फटाफट से एडिटिंग करते वरना नींद आ जाएगी। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो भैया लाइक कर देना, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, बाकी कल वाला व्लॉग मिस मत करना जो मैं कल शूट करूंगा मतलब, और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। चिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, पूरा वर्थ था भाई आज के एक्सपीरियंस जितने पैसे करे पे। बाय।